हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल जी नाम पंजाबी टीवी। मैं थोड़े दोस्त संमीत सिंह। अज की वीडियो कतर दे विच जो फाइनल मुकाबला हो चुका है, अर्जेंटीना जीत चुकी है। वह तो टाइम से मैं थोड़ा जहा लेट हो गया, बट कोई गल नहीं, चलते रहते। जिंदगी के होर बड़े भी पेंडे करने पैंते हैं भरावा, जिन्होंने इंस्टाग्राम देखे हो शायद पता हो। तो अज की वीडियो की होगी है चैंपियन मैसी से। मैसी तुम्हें पता है घैंट प्लेयर है यार, वो थोड़े कतर के मस्जिद में भी गया। एंड हूँ खबर आ रही है कि इस टीम ने जितने तो बाद सजदा भी किया। एंड एक जो उतों की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक अपना आई डोंट नो कि वो इस्लामिक कल्चर है जो की कहें जुब्बा शहर या जुब्बा आई डोंट नो की कहें, बट वो उन्होंने रिट्यूल उन्होंने फॉलो किया। एक शायद जेडे अरेबिक लोग है उन्होंने एक कल्चर है, तो उन्होंने चीज़ मैसी के नाल की। सो मैसी का इस वक्त मतलब छाया पे यार, मैसी हो पी। एंड एक मैं बड़िया वायरल हो रही सी चीज़ा, साढ़े इधर वह नाम रखे मैसी जिंदर सिंह, ठीक है मैसी जिंदर सिंह, तो थोड़े उधर नाम लिखे मैसी अल्लाह खां। मतलब सारे ने आपदा आपदा बना लिया उन्होंने, मतलब इदा दी मीम्स वायरल हो रही हैं। सो वो फिर कदें देखांगे, पर अज देखते हैं कि चैंपियन इदा दा लग रहा। आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में जारी है, आज उसका फाइनल और आखिरी राउंड था। आज फैसला होना था कि चैंपियन कौन बनेगा, तो फिर जब आज फाइनल राउंड। अच्छा इतने मैं क्लियर करता कि मैं फुटबॉल नहीं देखता, ठीक है, लेकिन थोड़े तो प्यार करके तुम सारे ने लगातार कह रहे हो इंस्टा थे कि भाजी इतने थोड़ा रिएक्शन करो। एंड बहुत वड्डी मूवमेंट है एक, क्योंकि इस्लामिक कंट्री दे विच होया इस टाइम जो कतर का यह वर्ल्ड कप से, उन्हें इतिहास चेंज करता, ठीक है, उन्होंने इस्लाम नू अगे रखिया ना कि वर्ल्ड कप नू। सो उदे करके आपां वीडियो जिहड़ी अपलोड कीतियां हुआ, तो दोनों टॉप टीम्स तो आखिरी फाइनल राउंड में शामिल दोनों टॉप टीम्स फ्रांस और अर्जेंटीना ने दोनों को मुकाबले की टक्कर दी। दोनों ने एक दूसरे को हराने की भरपूर कोशिश की और भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे, मगर एक टीम को तो जीतना ही था और फिर ये फैसला अर्जेंटीना के हक में हुआ और अर्जेंटीना इस तरह आलमी चैंपियन बन गया फुटबॉल का और वर्ल्ड कप उसके नसीब में आया। तो नाज़रीन अर्जेंटीना की फतह के बाद पूरे अर्जेंटीना में जश्न का समां बन गया और तो स्टेडियम में अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने और अर्जेंटीना की आवाम ने भरपूर जश्न मनाना शुरू कर दिया। और फिर जब ऑफिशियल तकरीब शुरू हुई जिसमें अर्जेंटीना की टीम को वर्ल्ड कप देना था और बाकी खिलाड़ियों को मेडल्स मिलने थे, तो उस तकरीब में कतर के अमीर भी मौजूद थे। कतर के अमीर वो स्टेज पर आए और उन्होंने अर्जेंटीना टीम के कप्तान और दुनिया के टॉप खिलाड़ी मैसी को अरबी जुब्बा पहना दिया, अरबिक बिश्त पहना दी जिसे अरबी लोग जुब्बे के ऊपर पहनते हैं। गोल्डन और ब्लैक कलर की जो बिश्त होती है अरबी लोगों के लिबास का हिस्सा है, ये अरबी लिबास का हिस्सा है और अरबी लिबास दुनिया में इस्लामी लिबास के तौर पर जाना जाता है। तो कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की आखिरी तकरीब में भी जाते जाते छोड़ दी और उन्होंने मैसी को वो अरबिक लिबास का बिश्त पहना दिया। यार गाइज, कतर ने वो करके दिखा था मेरे ख्याल, जेड़ा होर किसी लोगों ने करने की हिम्मत ही नहीं हैगी। मतलब उन्हें जाते जाते भी लास्ट अपनी एक इदा द इस्लामिक मूवमेंट छड़ती जिदे करके लोगों को होर सबक मिले, इतने कई जेडे इस चीज़ के अगेंस्ट सके। एंड देखो उन्होंने शराब नहीं उत्तर कोई प्रमोट की, ना उत्तर विकन दी, ना किसी ने पीती, ना कोई होर इदा की कोई वीडियो वायरल हुई। जेकर किसी बंद ने उदा की हरकत की तो उन्होंने फड़िया गया, ठीक है, फिर कड़ा वर्ल्ड कप नहीं होया, सब तो जबरदस्त सब तो महंगा वर्ल्ड कप होया। एंड क्या बात है, प्रॉफिट भी इन्होंने बहुत कमाया, बड़े तरीके होंगे। एक मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जो तुम कहोगे कि उन्होंने किदा किदा कितों कितों प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। सो बहुत कुछ होंगे, स्पॉन्सरशिप्स होंगे, टीवी केबल्स होंगे, मतलब इंटरनेट दे जां होर मीडिया कवरेज, बहुत बड़े वड्डे वड्डिया कंपनीज होंगे जो राइट्स देंदिया, बहुत कुछ होंगे। मैसी ने देखो एक इस्लामिक कंट्री दे विच उन्हें खेडिया, तो इस्लामिक कंट्री दे विच खेड के वो जिदा वो उन्हें चीज़ों नू फॉलो किया रिट्यूल्स नू, ठीक है, तो उतों की जिहड़ी लोग है जिहड़े इस्लाम कम्यूनिटी के लोग है वो अपने आप इहदे वल आकर्षित होणगे। एंड मेरे ख्याल अल्लाह भी इन्हां तो खुश हो गए कि हाँ तू इत्थे आके साडी बंदगी कीती ते तैनू उहदा फल मिलिया, क्या बात है। और इस तरह जब उसने वर्ल्ड कप रिसीव किया और उसके बाद मेडल्स रिसीव किए, उसके बाद पूरे मीडिया में जब उसकी तस्वीरें जाएंगी, पूरी दुनिया में जब ये वीडियोज़ ये मनाजर दुनिया में ये जाएंगे, तो अरबिक कल्चर दुनिया में वायरल होगा। अरबिक कल्चर जाहिर है इस्लामिक कल्चर है और इस्लामिक कल्चर दुनिया में वायरल होगा, और जब लोग देखेंगे तो उसको एक इस्लामी लिबास के तौर पर देखेंगे। तो इस तरह कतर पूरे फीफा वर्ल्ड कप में जो उसने किरदार अदा किया है वो एक काबिल तहसीन है इस्लाम के लिहाज से,
अरबिक कल्चर के लिहाज से और हर लिहाज से फीफा वर्ल्ड कप को एक यादगार वर्ल्ड कप बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके, हुण देखदे हां कि जिहड़ा उन्होंने एक सजदा किया टीम ने, लेट्स वॉच। यही गल सच है, मैनूं लग्या सी कि वैसे कि कोई व्यू लैण लई पा दिंदा, बट नॉट गाइज। जो कतर दे विच जिन्नियां वी मोमेंट्स होईआं एब्सोल्युटली 101% सच सी। 2022 कतर में शुरू हुआ तो मुसलमानों के पास इंतजामात थे और सारा कंट्रोल मुसलमान अरब मुल्क के पास था। तो जब मुसलमान टीमों ने इसमें शिरकत की तो उनका जज्बा भी अलग से था, क्योंकि वो मेज़बान थे और मुसलमानों के पास मेज़बानी थी, इसलिए उनके पास एक अलग से जज्बा था और एक नए जज्बे के साथ वो इस फुटबॉल में शरीक हुए थे। तो नाज़िर, मुसलमान टीमों ने यहाँ पर एक नया किरदार पेश किया कि जब वो मैच जीतते तो अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाते। ये फुटबॉल की तारीख में पहली दफा ये लम्हात देखे गए थे, क्योंकि क्रिकेट में तो हम देखते थे क्या बात एक प्लेयर है। जो जीत की खुशी में सजदा रेज हो जाता था तो दुनिया में वायरल होता था, मगर आज फुटबॉल की तारीख में ये पहली दफा इस वर्ल्ड कप में हुआ कि पूरी की पूरी टीम सजदा रेज होकर अल्लाह का शुक्र अदा कर। और ये मनाजर पूरी दुनिया में गए, इंटरनेशनल लेवल पर ये मैच था और वर्ल्ड कप था तो पूरी दुनिया में ये मनाजर देखे जाते थे। तो लोग इसको देख कर मुतासर होते थे और सोचते थे कि ये मुसलमान मानों का इबादत है तो वो किस तरह अपने अल्लाह के सामने, अपने खुदा के सामने सजदा रेज हो जाते हैं। और तो और, जब मोरक्को की टीम सेमीफाइनल हारी तो तब उसने भी अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गए। तो पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई कि मुसलमान खुशी के वक्त तो सजदा रेज होता है, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इन्होंने तो मैच हारने के बाद अल्लाह के हजूर सजदा रेज हुए। सही है, गल बिल्कुल सही। देखो कितना सोहना मैसेज गया कि तुहाडी जिंदगी च हार जित्तां हुंदियां रहिंदियां, ठीक है, पर मतलब द मेन थिंग इज कि तुसीं किस तरह अल्लाह का शुकराना करदे आ, अपने गॉड का, अपने परमात्मा का, वाहिगुरू का, भगवान का, राम का, जिन्हों भी तुसीं पूछदे आ, इक कितना सोहना मैसेज गया। एंड नो डाउट कि कतर दे करके इस्लाम पूरी दुनिया दे विच काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा उन्हों हुंगारा मिलिया, एंड काफ़ी लोगों तक ये गल्लां पहुंचियां जिहड़ी कतर दी हुकूमत पहुंचाना चाहुंदी सी। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह तो यहाँ तक ले के आए, अगली मर्तबा इससे भी आगे जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है कि लाइन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और नवाजूंगा। तो उन्होंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह इंशाल्लाह उनको और नवाजेगा। मगर नाज़िम, कल कुछ ऐसे मनाजर कैमरे में रिकॉर्ड हुए जिससे यूं लग रहा था कि अर्जेंटीना की टीम फतह के बाद सजदा रेज है, वो सजदे में गिरे हुए हैं। कुछ लोगों ने इस चीज़ को लेकर पोस्ट किया, शेयर किया कि अर्जेंटीना की टीम भी मुसलमान हो गई है और उन्होंने अल्लाह के हजूर सजदा रेज होकर शुक्रिया अदा किया। मगर ये सजदा नहीं था, ये ऐसी काफियत थी। इस्लाम एक फितरती दीन है, इस्लाम एक नेचुरली दीन है, तो इस्लाम की जितनी भी अबादात हैं वो सारी नेचुरली हैं। तो नाज़िम, ये वो मनाजर थे कि जिसे देखकर लोगों ने कहा कि वो सजदा रेज हो गए। अच्छा। हालांकि ये सजदा रेज नहीं था, वो जब मैच जीते, उन्होंने फाइनल जीता तो वो ऐसे जमीन पर गिरे कि जैसे लग रहा था कि जैसे वो अल्लाह के हजूर सजदा रेज हों, जबकि वो सजदा रेज नहीं थे। वो ऐसे खुशी की हालत में ही जमीन पर गिरे और वो और ये मनाजर कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। आज दुनिया भर के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इंसान जब खुशी की हालत में ऐसे ज़मीन पर सजदा रेज होता है तो उसको एक राहत महसूस होती है, उसका खुशी का लेवल बढ़ जाता है, उसके दिल की धड़कन, उसका खून का लेवल वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ये इंसान जीत के बाद ऐसे ज़मीन पर गिर जाना ये एक फितरती बात है। मगर हम मुसलमान वो अल्लाह के हजूर सजदा रेज होते हैं, वो हम इबादत समझ कर होते हैं, अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर। राइट यार, क्या बात है, सुपर। सो इतने कोई मिसकनसैप्शन सी वो भी, पर मैनू लगता नहीं कि मिसकनसैप्शन है। चलो डॉक्टर ने जो किया जो सच है कि खुशी के मारे कई आप नीचे बैठ जाने यार, जो आप बहुत ज़्यादा खुशी होंगी है, जी यार आप सदमा लगता है तो आप बिल्कुल निडाल हो जाने। सो वो चीज़ सी, बट वो चलो एट द मोमेंट होया, पर उस तो बाद जिहड़ा उस टाइम पीरियड दे विच सी, जो मोमेंट सी कि जिस टाइम उन्होंने सैटिस्फैक्शन की जो फीलिंग आ रही सी, उहदे विच वो की उन्हां दा थॉट प्रोसैस सीगा, वो उन्हां दे माइंड विच की चल रहा सी, वी डोंट नो दैट। वो उन्हां नूं पता जिहड़े उत्थे बंदे बैठे सी, हो सकता है वो सारे शुकराना ही कर रहे होन अपने रब दा, ठीक है। एंड सिर्फ मतलब कि मुस्लिम्स है जो इदा सजदा नहीं करते, काफ़ी सारे कम्यूनिटीज़ के इदा ही सजदा किया जाता है, तो पर मज़ा आया यार सीरीयसली। मतलब एक चंगा मैसेज आता यार, मैं एक चीज़ नोट की है कि कोई भी होर अदारा, कोई पॉलिटिक्स है, कोई ऑर्गनाइजेशन है, कुछ होर होंगे, उन्होंने जोड़ा सपोर्ट है ना, एक सपोर्ट है वो मतलब तुहाडे कल्चर नाल जोड़ सकता है किसी ना किसी तरीके। बिकॉज यार फीफा वर्ल्ड कप बहुत वड्डी गल है ये, ठीक है। एंड उत्थे इस्लाम दी जो रिट्यूल्स फॉलो किए गए हैं
अपने आप में एक चंगा मैसेज आता। आई थिंक कतर ने हक अदा करता सारे लोगों दी उम्मीदा, एंड मेरे ख्याल अल्लाह भी उन्होंने तो बहुत खुश होएगा कि उन्होंने जो चीज़ा इस कतर के फीफा वर्ल्ड कप में कीतियाँ। साडे वाले भी कहिंदे कहिंदे असीं भी करावांगे बिना टीम तो, ते पर लो बहुत चलदी आ साडे इधर। एनीवेज पर मज़ा आया, मतलब मैं जिन्नी वीडियो देखी है ना कतर वर्ल्ड कप दियाँ, जां जो इन्होंने फैक्ट सी, जो इन्होंने स्टेडियम बनाए, किस तरह इन्होंने तैयारी की, किदां इन्हां नूं मिलिया सारा कुछ, ऑल आपां ऑलरेडी अपलोडेड है, तुसीं उह देख सकते हो। एंड एक वीडियो होर आएगी, अज ही आएगी, देख के जायो, वह भी कतर ते ही है। सो मज़ा आया यार, चाहे मतलब लोगों को लगता होना कि उस नहीं किया, पर मैनू लगता कि शायद उन्होंने यह किया ही होना, क्योंकि वह तो चलो एक करी डिग पे, मतलब निडाल हो गए कि यार फीलिंगलैस नहीं कह सकते, मतलब इमोशंस उन्होंने कंट्रोल नहीं हुए, मतलब कहते ना पैरों थलों जमीन खिसक गई, उस हिसाब होया कि इन्नी खुशी हुई कि वह नीचे ही बैठ गए, पर उस तो बाद उन्होंने अपने अल्लाह का शुकराना किया ही है ना। आई थिंक ये गल्लां भी आपां नूं सोचनियां चाहीदियां। सो जिहड़ा उन्होंने एंड ते एक जुब्बा पहनिया वो अपने आप में एक वधिया गल है, क्योंकि बड़े वड्डे लैवल ते पूरी दुनिया यार, जिहड़ा लास्ट वर्ल्ड कप सी अद्धी दुनिया ने देखिया सी, तो ये वर्ल्ड कप हुण जदों अगे डाटा सामने आना पता लगू, मैनूं तो लगता 70% के करीब दुनिया ने, पूरी दुनिया 70% मतलब उन्होंने वर्ल्ड कप देखा होना मैनूं छड्ड के। एनीवेज मज़ा आया, तुहानूं कितना लगा नीचे कमेंट करके जरूर दस्यो, एंड ये भी कमेंट करके दस्यो कि तुसीं वर्ल्ड कप देखिया कि नहीं देखिया। मिलते हैं किसी होर वीडियो, सत श्री अकाल।